चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अतिथि विद्वानों का खूनी प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। ग्वालियर से अपडेट है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा है, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये पत्र जो है अतिथि विद्वानों की ओर से लिखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि एक अतिथि शिक्षिका की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। ये ग्वालियर से अपडेट है, कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं इस बीच आपकी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से पत्र इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लिखा गया है। और एक अतिथि शिक्षिका की हालत जो है वो बिगड़ी है। पत्र की तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर पत्र लिखा गया है और अतिथि विद्वानों का 35 दिनों से प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। अतिथि विद्वानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा है, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खून से पत्र लिखा गया है। और यहां पर आपको बता दें कि इस बीच हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से पिछले करीब करीब एक महीने से ये विरोध प्रदर्शन जारी है, इस विरोध प्रदर्शन को क्या समाप्त करवाने का प्रयास प्रशासनिक अमले की ओर से नहीं किया गया, सरकार की ओर से नहीं किया गया? बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि पिछले 35 दिन पे आज 35वां दिन है जो कि अतिथि विद्वान लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। और अहम बात यह है कि आज उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा है। और उस खून को निकालने के दौरान जो है एक शिक्षित अतिथि विद्वान महिला थी जो कि मंजरी, डॉक्टर मंजरी थी, जो कि उस समय तुरंत बेहोश होकर के पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। वहीं मैं बता दूं कि लगातार जो पिछले कई वर्षों से अतिथि विद्वान अपनी मांगों को, नियमितीकरण की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं अतिथि विद्वानों ने कहीं यहाँ पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि हमें हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम मरने के लिए जो है तैयार हैं और हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। अब चूंकि 35 दिन हो चुके हैं पूरे धरने को, हालांकि प्रशासन ने तमाम सारी कोशिशें भी की, सरकार ने भी कोशिश की है, लेकिन चूंकि अभी जो स्थिति ये है कि अभी तक जो है अतिथि विद्वानों विद्वान धरने से हटने के लिए तैयार नहीं है, वे इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है सरकार से। जी संजय, अगर आज के इस प्रकरण को लेकर बात की जाए तो मामला काफी गर्मा गया है, और अगर अतिथि विद्वानों को लेकर बात करें तो उनका भी विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या आज के प्रकरण के बाद प्रशासन हरकत में आया है, बातचीत करने का प्रयास कुछ किया गया हो, बीच का रास्ता निकालने की प्रयास किया गया हो? ये गलती में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछले 35 आज 35वां दिन है अतिथि विद्वानों के धरने को, अनशन को, लेकिन बावजूद इसके ना तो प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और ना ही प्रशासन, हालांकि भूख हड़ताल भी लगातार कर रहे हैं, क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरे प्रदेश भर के यहाँ पर शिक्षक अतिथि विद्वान मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहा। उन्होंने एक निजी डॉक्टर से यहाँ पर जो है अपना इलाज कराया और यहाँ पर जो बेहोश हुई थी अतिथि विद्वान, जो महिला बेहोश हुई थी, उसका भी इलाज जो है निजी डॉक्टर ने किया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर ढील देखी जा सकती है, क्योंकि जो प्रशासन है ये सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है कि कोई भी यदि घटना होती है, कोई भी मामला होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की बनती है। लेकिन चूंकि अतिथि विद्वानों का काफी समय से धरना चल रहा है, एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की कोई भी टीम वहां पर मौके पर मौजूद नहीं मिली। चलिए संजय, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाएगा और प्रशासन किस तरीके से बातचीत करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और